आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको प्रेरित पौलुस के जीवन परिवर्तन के बारे में बताने वाली हूँ। आने वाली कुछ वीडियो में हम आपको प्रेरित पौलुस के जीवन के ऊपर गहरा अध्ययन कराने जाएंगे। आशा करती हूँ प्रियो, पौलुस के जीवन पर किया गया अध्ययन आपके लिए आशीषित होगा। प्रियो, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आइए प्रियो, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाइबल हमें बताती है प्रियो कि यह उस समय की बात है जब शाउल, जो बाद में पौलुस कहलाया, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोगों को सताया करता था। वह प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोगों को बंदी गृह में डलवाया करता था और कलीसिया पर बहुत ही उपद्रव किया करता था। उन दिनों में जब स्तिफनुस सुसमाचार का प्रचार कार्य कर रहा था, तो यहूदी लोग घसीट कर उसे नगर के बाहर ले गए और अपने कपड़े शाउल के पैर के पास रख दिए। अर्थात जब प्रभु के दास स्तिफनुस को पतरवाहा करके मारा जा रहा था, तब शाउल, जो पौलुस कहलाया, वहीं पर खड़ा था। आगे हम देखते हैं प्रियो कि शाउल जब महायाजक के पास गया, तो उसे दमिश्क के आराधनालय के नाम पर यह आदेश दिया गया कि वो दमिश्क में जाकर क्या स्त्री, क्या पुरुष और क्या बच्चे जो भी प्रभु यीशु का नाम ले और उसकी आराधना करे, उन सब को बंदी बनाकर यरूशलेम ले आए। महायाजक के आदेश के अनुसार वह दमिश्क को जाने के लिए निकल गया। और आगे हम देखते हैं प्रियो कि जब वह दमिश्क को जाने लगा, तो मार्ग में उसके चारों ओर अचानक एक बड़ी ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा, क्योंकि वह घोड़े पर सवार था और उसके साथ और भी कई लोग यात्रा कर रहे थे। जब वह भूमि पर गिर पड़ा, तो उसे कुछ शब्द सुनाई दिए और वह यह थे, हे शाउल, हे शाउल, तू मुझे क्यों सताता है? तब शाउल ने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? तब सामने से आवाज आई, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर को जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। यहाँ पर हम ध्यान दे प्रियो कि प्रभु यीशु ने शाउल से यह कहा कि तू मुझे क्यों सताता है, जबकि शाउल ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं कलीसिया को सताया था। यहाँ पर हम इस बात को समझते हैं प्रियो कि जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताते हैं, उन्हें दुख देते हैं और उन पर उपद्रव करते हैं, वह उन लोगों को नहीं प्रभु यीशु मसीह को सताते हैं। बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह है और इस कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह ही है। तो यहाँ पर यह बात तो स्पष्ट है कि जब कलीसिया पर सताव होता है, कलीसिया पर उपद्रव होता है, तो वह सिर्फ कलीसिया पर नहीं प्रभु यीशु मसीह पर भी होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने शाउल से कहा था कि तू मुझे क्यों सताता है। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि जो मनुष्य शाउल के साथ थे, वह हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें शब्द तो सुनाई दे रहे थे लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद जब शाउल भूमि पर से उठा और उसने अपनी आंखें खोली, तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वह अंधा हो गया था। तब जो लोग शाउल के साथ थे, वे उसका हाथ पकड़कर उसे दमिश्क तक ले गए। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि शाउल वहाँ 3 दिन तक रहा और इन 3 दिनों तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और उसने इन 3 दिनों तक कुछ भोजन भी नहीं किया। बाइबल ऐसा बताती है प्रियो कि दमिश्क में ही एक प्रभु का दास रहा करता था। वह प्रार्थना करने वाला और प्रभु का भय मानने वाला प्रभु का दास था। उस समय में भी जब वह प्रार्थना कर रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह ने हनन्या से दर्शन में कहा कि हे हनन्या, तब उसने कहा हाँ प्रभु। तब प्रभु ने कहा उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। और यहूदा के घर में शाउल नामक एक तरसुसवासी को पूछ ले,
क्योंकि वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्या नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते हुए देखा है, ताकि वह फिर से दृष्टि पाए। अब यहाँ पर हम एक बात देखते हैं प्रियो, कि जब शाऊल देख नहीं पा रहा था तो वह निरंतर प्रार्थना कर रहा था। प्रियो, शाऊल प्रभु की कलीसिया को अर्थात प्रभु को सताता था, लेकिन जैसे ही उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई, तब वह प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति बन गया। इसलिए वह 3 दिन निरंतर उपवास के साथ प्रार्थना करता रहा तथा दर्शन भी पाया, जिसमें हनन्या नामक एक प्रभु का दास उस पर हाथ रख रहा था। तभी आगे हम देखते हैं प्रियो, जब हनन्या को प्रभु ने कहा कि वह शाऊल के पास जाए तथा उसके सिर पर हाथ रखे, तब उसकी दृष्टि वापस आ जाएगी। तब हनन्या ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मैंने इस व्यक्ति के विषय में बहुतों से सुना है कि यह यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों पर सताव करता था, और यहाँ भी इसको महायाजक की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। यहाँ हम देखते हैं प्रियो, कि प्रभु ने हनन्या को यह निश्चय दिलाया कि शाऊल अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल चुका है और प्रभु उसे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, ताकि वह बहुत से लोगों के बीच में प्रभु का गवाह बन सके। यहाँ हम एक बात सीखते हैं प्रियो, कि शाऊल जो एक कट्टर मसीह विरोधी था, प्रभु ने उसका मन बदला तथा उसे अपनी सेवा के लिए चुन लिया। वैसे ही प्रियो, जिसको प्रभु अपनी सेवा के लिए चुन लेता है, फिर वह कोई क्यों ना हो, प्रभु उसे पूरी तरह से बदल देते हैं और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रभु कठोर से कठोर हृदयों को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। शाऊल भी एक कट्टर मसीह विरोधी था, लेकिन उसे भी प्रभु ने घुटनों पर ला दिया। तब आगे हम देखते हैं प्रियो, कि हनन्या उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया है तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे तेरे पास भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और फिर तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। प्रियो, शाऊल का हृदय परिवर्तन एक कितनी अद्भुत बात थी। विश्व के संपूर्ण इतिहास में यह एक सर्वाधिक आश्चर्यचकित घटना साबित हुई कि मसीह का एक क्रूर शत्रु इतनी जल्दी उसका प्रेरित बन गया। वह एक परिपक्व व ज्ञानी व्यक्ति था, वह बेवकूफ या पागल नहीं था, परंतु अचानक उसका जीवन बिल्कुल बदल गया था। 3 दिनों में प्रभु यीशु का सबसे बड़ा शत्रु उसका सबसे बड़ा प्रेरित बन गया था। शाऊल के जीवन में प्रभु ने अद्भुत तरीके से काम किया। जब दमिश्क के मार्ग में शाऊल की यीशु के साथ मुलाकात हुई, तब वह 3 दिन तक देख नहीं पाया और वह 3 दिन उपवास के साथ प्रार्थना में लगा रहा। वह संसार में मसीह विरोधी कार्यों में जी रहा था तथा जब वह आंखों से अंधा हुआ और 3 दिन तक प्रार्थना में रहा, तब उसकी शारीरिक व आत्मिक आंखें खुल गईं। तब वह प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को भले प्रकार से जान पाया। और इसके साथ ही दूसरी बात यह है कि उसने प्रार्थना में एक दर्शन को पाया कि प्रभु का कोई दास उस पर हाथ रखता है तथा फिर से वह दृष्टि पाता है। यह दर्शन परमेश्वर ने ही उसके हृदय में भेजा था तथा फिर उसे पूरा भी किया। प्रियो, जब हम भी प्रार्थना में परमेश्वर की ओर से कोई दर्शन पाते हैं, तो हमें भी यह विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर की योजना का दर्शन अवश्य पूरा होगा, क्योंकि प्रियो, जो दर्शन प्रभु दिखाता है वह पूरा जरूर होता है।
इसके साथ ही हमने देखा प्रियो कि जब हनन्या उसके पास आया और जब उसने उस पर हाथ रखकर उसकी आंखें खोली तो उसके बाद शाऊल ने बपतिस्मा लिया और फिर भोजन कर बल पाया। बपतिस्मा इस बात का प्रमाण था कि शाऊल ने अब पूरी तरह से प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया है और इस बात को मान लिया है कि यीशु ही प्रभु है। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि वह दमिश्क में कुछ दिन तक रहा और वहां के आराधनालय में प्रचार करता रहा। जब वहां के लोगों ने शाऊल को यीशु मसीह का प्रचार करते सुना तो वह चकित रह गए और आपस में इस बात पर विचार करने लगे कि क्या यह वह व्यक्ति नहीं है जो यीशु के विरोध में यीशु की सेवा करने वालों को बंदी बनाने आया था। और वहां लोगों ने यह भी देखा कि शाऊल और भी सामर्थी होता गया तथा इस बात का प्रमाण देता रहा कि यीशु ही प्रभु है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र है। कितनी अद्भुत बात हम देखते हैं प्रियो कि वह शाऊल जो एक समय मसीही लोगों को सताया करता था, उन्हें मारा करता था, उन्हें बंदी गृह में डलवाया करता था, वह उसी प्रभु यीशु का प्रचार करने लगता है, वो भी सामर्थ के साथ। क्या कोई सोच सकता था कि एक कट्टर मसीह विरोधी अत्यधिक दुष्ट और जुल्मी प्रभु यीशु का शिष्य बन सकता है? यह याद रखें प्रियो कि यीशु किसी का भी जीवन बदल सकता है, फिर चाहे वह पृथ्वी का सबसे दुष्ट पापी या फिर मसीह का कट्टर विरोधी ही क्यों ना हो। इसी शाऊल को प्रभु ने पौलुस बनाया, जिसका अर्थ होता है छोटा या विनम्र। हाँ मेरे प्रियो, शाऊल का अर्थ होता है चट्टान और पौलुस का मतलब होता है विनम्र। प्रभु ने शाऊल को, जो एक कठोर हृदय वाला निर्दय व्यक्ति था, उसे पौलुस अर्थात विनम्र व्यक्ति बना दिया। वह जो पहले मसीही लोगों को सताया करता था, आज खुद सताया जा रहा है। हाँ प्रियो, हम देखते हैं कि जब वह दमिश्क में प्रभु के वचन का प्रचार कर रहा था तो वहां के यहूदियों ने उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, परंतु उनका षड्यंत्र पौलुस को मालूम हो गया और उसी रात चेलों ने टोकरे में बिठाकर उसे दमिश्क की शहरपनाह से नीचे उतार दिया और जहां से वह यरूशलेम को गया और वहां पर उसने प्रेरितों से मुलाकात की और निधड़क होकर वह प्रभु यीशु का प्रचार करते रहा। प्रियो, शाऊल के जीवन में हम प्रभु के अद्भुत काम को देखते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वह काम प्रभु ने शाऊल के जीवन में किया। वैसे ही प्रियो, प्रभु आज आपसे कहना चाहते हैं कि जब आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हो जो प्रभु यीशु के विरोधी होते हैं, प्रभु के लोगों को सताते हैं, उन्हें धमकाते हैं, तो आपको चिंता करने या डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है ताकि प्रभु उनके जीवन को भी बदल सके। हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय देने वाला परमेश्वर है। जैसे उसने शाऊल को पौलुस बनाया, वैसे ही वह पृथ्वी के किसी भी इंसान को बदल सकता है, फिर चाहे वह आपका बेटा हो, बेटी हो, पति हो या फिर पत्नी, कोई भी क्यों ना हो। यह ना सोचें कि यह नहीं बदल सकता, बल्कि यह बोलिए कि प्रभु चाहे तो यह जरूर बदल जाएगा और आप खुद उसके जीवन को बदलते हुए देखोगे। और यही नहीं प्रियो, जैसे प्रभु ने आत्मा से भरकर उसे जाति जाति के लोगों के बीच में इस्तेमाल किया, वैसे ही वह उन्हें भी अपनी बड़ी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रियो, मैं आपको भी प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी अपनी बुलाहट को जानें और प्रार्थना में दर्शनों को मांगें तथा उसकी योजनाओं में संपूर्ण हृदय से समर्पण करें, जैसे शाऊल ने समर्पण किया, तथा दुख तकलीफों में भी प्रभु की महिमा करना कभी ना छोड़े। हमें भी यीशु मसीह के साथ साथ उसके मार्गों पर चलना चाहिए, साथ ही यह विश्वास भी रखें कि प्रभु आज भी जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है, फिर वह पृथ्वी का सबसे क्रूर और निर्दयी और दुष्ट व्यक्ति ही क्यों ना हो। आशा करती हूँ प्रियो कि पौलुस के जीवन परिवर्तन का यह अध्ययन आपके लिए आशीषित रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।